अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने मेके जाना है और मैंने मेके जाने की तैयारी फुल फुल शुरू कर दी है। और मेरे बच्चे ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरे बच्चों को मेरी हेल्प करने का बहुत शौक है। ये देखिए, ये हेल्प हो रही है। ये इसके अंदर हाइड करके खुद बैठे हुए। दे दे मुझे, मम्मा की चीजें नहीं छेड़ते। माई नॉन माई माई, हर चीज में ये आते हैं और हर चीज में ये मेरे काम खराब कर देते। गिमी हाई जी, ये क्या करें आप जी? बैठ, ये मम्मा की चीजें हैं और ये कर रहे हैं खराब। और ये देखिए, ये मजे की बात है, इसको छुपने के लिए ये कबर्ड मिलती है। जब भी इसको कहीं छुपना होता है तो जी जी बहुत अच्छी। मेरी सारी चीजें निकालें, दे दे माई माई नहीं है। चले मैं ना काम कोशिश करती हूँ अपनी पैकिंग को खैर अंजाम देने की। सर जी, अब मेरी तैयारी स्लो स्लो से फास्ट होकर आगे बढ़ी है। ये बच्चों के कपड़े हैं जो सुबह पहने पहना के इनको लेके जाना है। ये ज़ियान का है जी बेटा, ओके। ये इबाद का है और ये इब्राहिम का है। ऑलमोस्ट तीनों के ड्रेस सेम है जी। और इसके ऊपर से जैकेट्स बच्चों को पहनाऊंगी क्योंकि बहुत शदीद ठंड है, तो ये इतने से स्वेटर तो कुछ नहीं कहेंगे। और इसके ऊपर डबल डबल जैकेट्स होंगे, वो नीचे से सॉरी हाई नेक और स्वेटर्स होंगे। ये बात दरमियान में आके साथ साथ बता रहे मेरी कौन सी है। हुज़ैफ़ा का नहीं अभी ड्रेस इसमें रखा हुआ, इसलिए कि हुज़ैफ़ा का जो है उसका सुबह है ट्रिप है, तो उसको मैं जाते हुए रास्ते से पिक करूँगी। स्कूल यूनिफॉर्म में ही होगा वो इंशाल्लाह, तो फिर वहाँ जाके चेंज करेगा वो। और ये है मेरा बेबी बैग, ये बनाया तो बेबीज़ के लिए था बट इसमें सिर्फ सॉक्स कैप है बच्चों की, और क्या है सॉक्स और कैप है और बच्चों के टिश्यूज़ है, टिश्यू बस, दैट्स इट। इसमें अभी तक यही आया, अपनी तरफ से बेबी बैग बनाया था जिसमें थोड़े से कपड़े रखेंगे, पैम्पर्स नहीं है सॉरी। तो ये कुछ ऐसे नज़र आता है, देखने में अच्छा है, बड़ा अच्छा है ये। ठीक है, फिर अगली तैयारी बाद में सही। अब यहाँ तक ये कपड़े भी दिखा दिए मैंने जी बेटा। और मेरी जो तैयारी है ये मुझे एक बात बता रहे हैं, ये है जी मेरी तैयारी, इसमें से कोई सा भी पहन लूँगी। अच्छा जी, ये है मेरी तैयारी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये रही मेरी तैयारी, ये शूज़ है मेरे घर पहनने के लिए, ये भी मैंने साइड पर रख ली हूँ अभी, तो वैसे शूज़ का बॉक्स अलग से एक बनेगा। ये सब चीज़ें, ये सब कपड़े शपड़े पैक हो चुके हुए हैं, बहुत लंबी डिटेल में तैयारी है क्योंकि सर्दियां हैं, बच्चों के लिए कपड़े चाहिए होते हैं मोटे मोटे, चाहिए इनकी जैकेट्स हैं बच्चों की, किसी में मैंने पैक करके ले गई। ये मेरी मोटी शॉल है वहाँ लेने के लिए, ये मेरे शादी पे मुझे मिली थी मेरे इन-लॉज की तरफ से। और वो हुज़ैफ़ा की जैकेट है, ये सब वहीं खोलूंगी, अब बस पैक हो गया। मैंने शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, इसलिए मैंने कहा मैं ज़रूर दिखाऊँ। और ये कपड़े पड़े हुए हैं मेरे, अभी ये रखने हैं, ये डेली पहनने के लिए हैं क्योंकि डेली इस्त्री करने के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो ये करूंगी बस थोड़े थोड़े से, ऑलरेडी डन है ये, बस थोड़े से निकालूंगी, ये डेली पहनने के लिए हैं। और ये मेरे फेवरेट शूज़, काफ़ी अर्सा हो गया इसको मैंने लिए थे, ये मैं लिए मतलब ये ख़राब अब होने वाले हैं। मुझे लॉन्ग शूज़ बहुत पसंद है बट ये पहनने का यूएई में मौका ही नहीं आया क्योंकि इतनी ठंड कभी हुई ही नहीं। और ये बेबी बैग के अलावा जो मैं कैरी करूँगी बैग, ये वो बैग है। और ये देखें, ये कुछ ऐसे है, ऐसे ये मैं कैरी करूँगी साथ हर वक्त कहीं पे भी जाना, क्योंकि हमारा जो स्टे है 8 to 9 days का है, 10 days भी हो सकते हैं। अच्छा, जो चीज़ें मस्ट है वो तो मैं इस बैग। और ये देखें जी, ये ज़ियान हो गया हमारा तैयार माशाल्लाह से, ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह। और ये इसकी जीन्स निकर पहन के सोते इसकी ठंड में भी, ये इसकी निकर है और ये इसकी जैकेट पड़ी हुई है, इसको मैं कह रही हूँ ये पहन ले, बट अभी ज़ियान की ये है तैयारी हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है। और बाकी जो बच्चे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, बाकी बच्चे ये तैयार होकर बैठते हैं यहाँ, इबाद और इब्राहिम रेडी। और यहाँ इनको बना दिए थे, ये इनकी फेवरेट डिश है ये जो है ना लड्डू बनाकर साइड, ये माशाल्लाह रेडी होके बैठ गए, सब सब रेडी है, सब निकलना है इंशाल्लाह साइड। ये ठीक है, फिर अगली तैयारी बाद में सही। अच्छा जी, सब हो गया है डन ऑलमोस्ट,
घर क्लीन हो गया और बस आईपैड उठाना था, सब डन है, लाइट्स ऑफ करनी है। ये रही लाइट्स, अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, ये सब घर बंद कर लूँ फिर उसके बाद चेंज करूँगी आसानी से। ये जैकेट पड़ी हुई बच्चों ने पहननी है और ये इनके टॉयज है, ये साथ जाएंगे। और यहाँ आऊँगी मैं थोड़ी देर के लिए फैन चलाने के लिए, बाकी तो सब नीट कर दिए। अभी ये गीला है सारा फ्लोर, सब वेट है, तो अब थोड़ी सी ये लाइट ऑफ करके फैन चलाएंगे ताकि जल्दी से खुश हो सब कुछ और वो ऊपर वाला खुला रहेंगे। इसको करेंगे बंद और ये पानी भी करेंगे बंद और सब हो गया है क्लीन ऑलमोस्ट। वो उसके ऊपर कवर करना है अभी, तो अभी आके करती पहले बच्चों का आईपैड ले जाऊँ, बस और ये तो ऑन कर रखना था। और ये सामान है, जाते जाते कुछ ना कुछ सामान ले जाता है। ये कपड़े मैंने धो लिए थे, फटाफट फैला दिए हैं ताकि फिर टेंशन नहीं होती, बच्चे जैसे उतारते हैं मैं फ़ौरन धो देती हूँ और ये मैंने धो के यहाँ फैला दिया। और अभी सब मेरे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, ये अच्छा मुझे बार बार वहम रहता है कि पता नहीं मैंने स्विच सारे देख लिए हैं कि नहीं, मुझे बार 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 वहम ही होता रहता है। और मैं अब दोबारा से सारे स्विचों को देख रही हूँ और ये सूट मेरा बाहर आ गया क्योंकि अब स्पेस बिल्कुल भी नहीं थी बैग में। हीटर ऑफ करके रख दिए हैं, घर नीट कर लिया है और अब ऑलमोस्ट कोई चीज़ नहीं रह गई जो अपनी तरफ से मैंने ना की हो। डस्टबिन भी क्लीन कर लिया, उसको क्लीन करने के बाद उस पर लिफाफे लगा दिए नए वाले। और बस अब ये हो गई है तैयारी यहाँ की भी, बस अब ये प्रेस किया हुआ यहीं पर छोड़ के जा रही हूँ, अब वो नहीं है। ठीक है जी, अच्छा जी अब हम लोग सब बैठ गए गाड़ी में और गाड़ी में बैठ जाने के बाद एज़ यूजुअल इबाद इब्राहिम आईपैड पे गेम्स खेल रहे हैं, उनका फेवरेट है ये काम वरना वो तंग करते हैं। और अब हम जाते हुए लेंगे हुज़ैफ़ा को और ये हम लोग रवा दवा हैं अपने मेके की तरफ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे वहाँ पर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।